घर के बीचों बीच बैठ जाऊँ, किस तरफ बैठू, कौन सी दिशा में? पूर्व की तरफ करो मुँह। पूर्व मतलब पूरब, पूरब पूरब मतलब नॉर्थ, हाँ, जहाँ से सूर्य निकलते हैं, सूरज निकलता है ईस्ट, उस साइड में। अच्छा, ईस्ट की तरफ बैठू ना? हाँ जी, हाँ जी, ईस्ट की तरफ बैठ गया। हाथ से निकालिए लौंग और जायफल और नींबू, ये सब टोटल अपने सर पे रखना है आपको। कपड़े से निकाल दो के? कपड़े के साथ में पकड़ लीजिए, कपड़े से निकाल। अच्छा, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, ये कपड़ा भी हाथ में रख लिया है जो बांधा था ना? वो सब सर पे रखिए आपके। सर पे रखूं? हाँ जी, रख दिया। नींबू जायफल सब है ना? हाँ जी, नींबू जायफल सब है ना? हाँ जी, नींबू जायफल और जो कपड़े में जो लॉन्ग बांधा है वो भी। चलिए ठीक है, आप अपने माता पिता का नाम बताइए। अग्रवाल ना? हाँ जी। और नींबू नहीं अभी? कोई बात नहीं। और घर में कौन है? बस मैं, जय, बस हम तीन ही अभी। कौन से एरिया में घर है? कांकरिया, अहमदाबाद। हे दुर्गा माता, बजरंग बली, भैरव बाबा, जीवदानी माता, मुम्मा देवी माता, इनके बेडरूम में, इनके घर के हॉल में, जहाँ पे जो भी बुरी शक्तियां हैं, इस नींबू और जायफल के अंदर कैच करें, और इसके शरीर पे जो भी प्रभाव है, इनके फैमिली में जो भी प्रभाव, सारी चीजों को नष्ट करें माते। हे कमख्या माता, मंगलामुखी माता, निरीश्वरवादी शक्ति माता है, देख लें और पूरे पूर्ण रूप से इसके शरीर से होके इस नींबू और जायफल के अंदर चले जाए। ओम श्री दुर्गे नमः, 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 मेरे हाथ में नींबू है, यहाँ से काटूंगा तुम लोग को तकलीफ हो जाएगा, चलो निकलो जल्दी। प्रेशर देने की कोशिश नहीं करा ना, मां बन करूंगा तुम्हारी, इज्जत से जाओ। अड्डार ने किया, पड़दार ने किया, जो भी इसके दुश्मन ने किया, उसके तरफ रिटर्न आप लोग मुक्त करोगे, वहाँ पे वहाँ रिटर्न जाओगे तुम लोग। ओम श्री भैरवाय नमः, 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 ओम श्री जीवदानी माता, 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 ओम श्री मुम्मा देवी माता, ओम श्री मुम्मा देवी माता, श्री मुम्मा देवी माता, ओम श्री मुम्मा देवी माता, 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 श्री मुम्मा देवी माता। ओम कमख्या माता ने, ओम कमख्या माता ने, 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 कमख्या माता ने। ओम बंगलामुखी माता ने, ओम बंगलामुखी माता ने, 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 बंगलामुखी। ओम करण पिशाच की माता ने, करण पिशाच की माता ने, करण पिशाच की माता ने, करण पूरे शरीर को हल्का कर दे माता। इनके माता पिता का भी शरीर पूरे तरह से हल्का कर दे भैया। इनके घर के हर एक चप्पे चप्पे कोने कोने में से देख ले माते, कहीं कोई छूट गया हो तो उसे सबको इसके नींबू के अंदर ले लेना माते। ओम शांति 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 शांति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम शांति। कैसा लग रहा है जय? अच्छा, ठीक, अच्छा लग रहा है, कोई प्रेशर नहीं। मम्मी मम्मी पापा को पूछिए। मम्मी चेंज लग रहे हैं, मतलब कोई पारी हल्का हल्का फील हो रहे हैं, टाडेनो कुछ पहले ना लो, कुछ अच्छा लग रहे हैं पापा टाडेनो की। पापा कहते कुछ सैंड जैसी खुशबू आ रही है घर में, बाकी कुछ हल्का फील हो रहे हैं, है? शांत है। हेलो, देख रहा हूँ आपको खुशबू आ रही है? नहीं, मुझे नहीं आ रही। यहाँ पापा है, वहाँ पे जाइए, बात करते करते जाऊँ, उठ के जाऊँ? जाइए, जैसे सर पे ही रखना, बात करते करते। हाँ जी, सर पे ही रखा, वो मेरे रूम में ही बैठे थे पापा को। हाँ, कुछ गुलाब इत्र जैसी आ रही है। हाँ जी, चलो वो भाई, समझ गया मैं तुम्हें, चलो आ जाओ, तुम्हें बुलाने की जरूरत नहीं, आ जाओ नींबू और जायफल के ऊपर आ जाओ। चलो खुशबू बंद करो, अब हो गया, जितना दाना पानी था उतना तुमने कर लिया, अभी निकल लो यहाँ से, अभी खुशबू मत है, जा नींबू में। ओम चमुंडाय माता नमः, ओम चमुंडाय माता नमः, ओम चमुंडाय माता नमः, ओम चमुंडाय माता। खुशबू आ रही है? हाँ जी। चलो ठीक है। अच्छा, ये आपने मम्मी पापा को बोलो टच कर लें आपको। क्या बोल रहे हो? वो बोलो आपको पकड़ ले यहाँ पे, आप सभी तुम्हारे साथ में टच रहना चाहिए उनका। अच्छा, पकड़ ले मेरे को, मतलब हाँ, टच होना चाहिए। मम्मी हाँ, जल्दी बुलाओ मम्मी, मेरा सिवा शरीर पकड़ लो मेरा से। हाँ जी, पकड़ लिए। चलो आ जाओ, आ जाओ ऊपर, आ जाओ ऊपर, नींबू जायफल के अंदर जाओ, वहाँ से पूरी तरह से हटाओ अपने आप की खुशबू वगैरह सब हटाओ,
अब बहुत बर्बाद कर लिया इन लोगों को। जाएं आप, अगर कुछ ऐसा टेंशन वाली बात है तो वो पता है मुझे, इन लोगों को परेशान नहीं करना है माता रानी। इस घर के अंदर जो खबीज है उस खबीज को, इस नींबू और जायफल और लौंग के अंदर लेके जाए माता, इन सारे लोगों के शरीर को पूरी तरह से छोड़ दे, ये बात आना बंद हो जाए। चल खबीज, मैं तुझे काट रहा हूँ, मैं अच्छा इंसान होगा, जब कभी आना होगा तो मिलेंगे हम तुझसे, अभी इस समय तू चले जा, छोड़ दे शरीर को, उसके घर को छोड़ दे। हे माता रानी, उसके घर के चारों तरफ जो चप्पे चप्पे पे जो जो भी होगा इंसान, उसके सारे शक्तियों को व्यर्थ कर दे, नष्ट कर दे, और इसको उस घर से निकाल के बाहर फेंक दे उठा के, ताकि इस घर में दोबारा जरूरत ना करे आने के लिए। ओम 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 बस कुछ नहीं, हलवा ही है, कोई प्रेशर नहीं है, हल्का ही है। खुशबू बंद हो गया? हाँ जी, खुशबू बंद हुआ, बंद हो गया। अभी हमको नहीं आई, अभी मम्मी को आ रही है। नहीं अभी खत्म, वो नींबू में आ गया है, ठीक है। हाँ जी, अभी क्या करिए, पहले अपने आप में उतारा करिए, ओम श्री दुर्गे नमः सात बार, ओम श्री हनुमते नमः सात बार, ओम श्री भैरवाय नमः सात बार, ठीक है? ठीक ठीक है, अपने ऊपर से उतारा करके अपने पापा को उतारा करिए, घर के अंदर ही उतारा करना है। ठीक है जी, फिर उसके बाद मम्मी का उतारा करना आप। ठीक है, दारू है आपके घर में? नहीं नहीं तो दारू अभी मिलेगा नहीं गुजरात में ना, वो पड़ा है, क्या कहते हैं, ब्रांडी। ब्रांडी आग लगाओगे तो जलेगा ना? आग लगेगी तो जलती है ब्रांडी। हाँ जी जलेगा। चलिए ठीक है, ये सब करने के बाद आप घर से बाहर निकलेंगे, जायफल को दो टुकड़ा करेंगे, तो नींबू को दो टुकड़ा करेंगे, चौराहे पे डालेंगे, ठीक है? चौराहे पे मतलब चार रास्ते पे। हाँ, चार रास्ते पे उसे डाल के घर पे आएंगे, हाथ पर धोएंगे, पांच अगरबत्ती जला देंगे आप दुर्गा माता बजरंग बली भैरव बाबा के नाम पे, और दो कटोरी में थोड़ा थोड़ा दारू निकाल लेना आप। दो कटोरी में थोड़ा थोड़ा शराब को निकाल लेना, उसको एक को भैरव जी के नाम पे मारना माचिस, हाँ। दूसरे को करण पिशाचनी के नाम पे मारना माचिस, और जहाँ से खुशबू आ रही थी, और एक हॉल में रखो, एक बेडरूम में रखो, जला देना ऐसा। अच्छा, तो ये याद इतना नहीं देगा महाराज जी, फोन करना पड़ेगा मुझे दोबारा। हाँ, ये मतलब जैसे ये पहले पहले मैं सात बार मेरा उतारा मेरे सर से कर दूं, ओम श्री दुर्गे नमः, ओम श्री हनुमंते नमः, ओम श्री भैरवाय नमः, वही पापा और मम्मी पे करूं, बराबर है? हाँ। वो करने के बाद बाहर जाके इसके दो टुकड़े करके चार रस्ते पे रख के वापिस घर पे आऊँ। हाँ। और अगरबत्ती जलाऊं पांच, और पूरे रूम पूरे घर में अगरबत्ती करके उसको मंदिर में ही रखना है, मंदिर में ही जला के रख देना है, ठीक है? और आपको आपको दो कटोरी में है ना, वाटी में, हाँ, दो कटोरी में अलग अलग दो ब्रांडी रख दूंगा, रख देना। और आप उसको रखने के बाद क्या करना है, एक भैरव जी के नाम पे जलाना कि हे भैरव बाबा, जो भी घर में दिक्कतें हैं इसे समाप्त करें, और अपने आप अपने आशीर्वाद को पूरी तरह घर में फैला दें, ठीक है? दूसरा है, लिख लेना उसमें, है करण पिशाचिनी माता, करती माता, तू भी अपना आशीर्वाद का यहाँ पे पहरा दे दे मैया, जो भी है सब खत्म कर। कौन सी माता जी, दूसरी? कर्ण पिशाचिनी, कर्ण पिशाचिनी, कर्ण, लिख लो कर्ण पिशाचिनी, ये दोनों जन का कर देना, तुम जला देना, और ये तुम्हारे घर में भी सब सही हो जाएगा, कहीं किसी का कुछ नहीं होगा, ठीक है ना? हाँ जी, करना पिचास में करना। हाँ जी, ठीक है जी। तो अभी ये जायफल के दो टुकड़े हो जाएंगे, किस चाकू से होंगे? पत्थर मिलेगा उसे तोड़ देना, भैरव जी का नाम लेके आओ, श्री भैरवाय नाम, ठीक है? मैं चार रस्ते सब डाल के सब सही हो जाएगा, सबका शरीर हल्का हो गया, खुशबू बंद हो गया वहाँ से, सब खत्म हो गया वहाँ। हाँ जी, खुशबू सब खत्म हो गया। अच्छा, और ये कौन से कोने में रखना है दो कटोरी? एक डाइनिंग टेबल पे रख देना, एक अपने बेडरूम वगैरह में रख देना, जैसे जगह पे रखना कि उसका जो खुशबू है ना चारों तरफ फैलना चाहिए दारू का। हाँ, तो बस, तो फिर मैं अपने मेन बीच का जो डाइनिंग टेबल है उसके कोने में तो सब खत्म। चलिए ठीक कर लीजिए, ठीक है जी, तो ये मैं कर लेता हूँ। चलिए ठीक है, जय माता दी। हाँ जी, जय माता।